इस सत्र में अब हम हिंदुत्व के कार्य में युवाओं को कैसे आकर्षित करें, इस विषय पर श्री चक्रवर्ती सुलिबेले जी हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक के श्री चक्रवर्ती सुलिबेले जी युवा ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आप कर्नाटक के यूथ आइकॉन हैं। आपकी प्रेरणा से सहस्रों युवक राष्ट्र और धर्म कार्य करते हैं। आप निवेदिता प्रतिष्ठान के माध्यम से लव जिहाद के संदर्भ में जागृति करते हैं। आप एक लेखक भी हैं तथा आपने राष्ट्र तथा धर्म के संदर्भ में अनेक पुस्तकों का लेखन भी किया है। आपने युवा ब्रिगेड के माध्यम से अब तक 12 से अधिक पवित्र नदियाँ, 100 से अधिक मंदिरों की स्वच्छता की है और इस अनमोल कार्य के लिए कर्नाटक सरकार ने आपको कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड से सम्मानित भी किया है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में आपके मंदिर स्वच्छता उपक्रम की प्रशंसा की है। आपको वीर सावरकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे हमारे कर्नाटक के यूथ आइकॉन श्री चक्रवर्ती सुलिबेले जी से मैं विनती करता हूं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन करें। रत्नाकर धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। मंचासीन साधुओं को और इस मंच के आगे बैठे हुए सब साधुओं को मेरा प्रणाम। जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है इन सबको मेरा सादर नमस्कार। वैसे कहा गया कि मैं कर्नाटक वाला हूँ तो इसीलिए जब भी मैं हिंदी में बोलता हूँ तो काका की बन जाए तो आप संभाल लीजिए, और जहाँ भी मुझे हिंदी कमज़ोर लगती है तो मैं अंग्रेजी का सहारा तो ले लूँगा, आप इतना तो समझ पाएंगे। वैसे मुझे कहा गया कि हिंदुत्व के कार्य में युवाओं को कैसे लेके आया जाए, उनको कैसे एकत्रित किया जाए कि हिंदुत्व के कार्य में उनको हम लेके आए, तो इस विषय पर मैं आज आपको प्रस्तुति दूंगा। वैसे तीन तरह के युवा होते हैं, हम सब जानते हैं। एक तो युवा ऐसे है जो सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेते और अपने आप मोबाइल देखते रहते, रील के ऊपर रील देखते रहते। सुबह नाश्ते के वक्त वो वहाँ से उठते, डायरेक्ट नाश्ता करते और अपने काम पे चले जाते हैं, तो ऐसे होता है। वो तो कुछ काम में नहीं, कभी काम में नहीं मिलते हमको। दूसरे युवा ऐसे होते हैं जो भी रील दे वो भी रील देखते हैं, वो भी सोशल मीडिया में रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम करने का मन उनमें है और वो चाहते हैं कुछ इस काम से हमको भी कुछ मिले, कुछ यशस मिले, कुछ कीर्ति मिले, ऐसे कुछ मिले, ऐसे वो चाहते हैं। ये दूसरे तरह के युवा है। और तीसरे तरह के युवा है वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व का काम करना चाहिए, मैं तो काम करता ही रहूँगा, लोग मुझे गाली दे, लोग मुझे कुछ दे या ना दे, मैं तो काम करता रहूँगा। तो आप ये मत समझना कि ये मेरा संशोधन है, लेकिन ये तो गीताचार्य ने बहुत हजारों सालों पहले बताया था। तीन गुणी वाला लोग होते हैं, एक तो तमोगुणी वाले हैं जो सिर्फ मोबाइल में बैठे रहते हैं, और दूसरे रजोगुणी हैं वो तो कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन प्रतिफल अपेक्षी रहते हैं, और तीसरा है सत्वगुणी, वो काम करता है बिना अपेक्षा काम करता ही रहता है। तो गीताचार्य तो हमको तो वो तब भी गीताचार्य थे, आज भी गीताचार्य है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो आज भी हमको देखने मिलता है। तो हमने सोचा तो ये जो सत्वगुणी है उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में काम करता ही रहता है, और जो तमोगुणी है उसको आप कितना भी खींच लो वो कभी आपके पास नहीं आएगा, लेकिन बीच में एक वाला है ना, वो तो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में है, वो रजोगुणी वाला है, उसको खींचने के लिए क्या करना है। तो गीता में कृष्ण ने बताया कर्मयोग सबसे अच्छा है, कर्मयोग में लगाओ इनको। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं राष्ट्र प्रेम ही एक बड़ा माध्यम है जो हम बहुत युवाओं को लेके आ सकते हैं। तो हमने सोचा एक कार्यक्रम, हमने उसका एक आयोजन किया, उसका नाम था जागो भारत। हम क्या करते थे, गीत गाने वाले
और व्याख्यान करने वाले दोनों को मिलाकर एक कार्यक्रम हमने हर कॉलेज में किया, हर जगह में किया। तो कॉलेज में उसको सुनने के बाद, राष्ट्र प्रेम के गान सुनने के बाद, राष्ट्र प्रेम को जागृत करने वाले व्याख्यान सुनने के बाद, बहुत युवा हमारे पास आते थे, वो कहते थे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं हम लोग। तो हमको पता चलता था कि ये रजोगुणी है, उसको खींचना है अभी। तो हमने बाद में क्या किया, उसको काम में लगाने का प्रयास किया। तो काम कैसे लगाए, हमने सोचा जो जिसका आधार धर्म हो ऐसे ही काम हमको ढूंढना चाहिए। तो धर्म कैसा है, अब सोचिए, आप गोवा में बहुत लोग पहले बार आ चुके होंगे, बहुत बार ऐसे मंदिर गोवा में जैसे मंदिर है, जैसे मंदिर देखने के बाद हमको लगता है ये मंदिर इतना बड़ा है, एक तालाब हर मंदिर के पास रहता है, कितना सुंदर है, कितना क्लीनलीनेस है। लेकिन हिंदुत्व के जो अनुयायी हैं उन पर एक ही आरोप है, एक नहीं बहुत आरोप है, उसमें एक बहुत बड़ा आरोप है कि वो क्लीन नहीं है, वो अपने परिसर को कभी क्लीन नहीं रखते, और दूसरा अपने हेरिटेज के बारे में, परंपरा के बारे में उनको विश्वास नहीं है, और तीसरा अपने गॉड, अपने देवताओं को वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे सब आरोप हम पर है। तो आरोप को हम कितना भी बोले आरोप ही रहेगा। तो हमने सोचा इस आरोप को हम लेंगे और इसको फलितांश में बदलेंगे और इसका जो रिजल्ट्स है उसको हम ढूंढेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा जहां कर्नाटक में मंदिर के पास में तालाब रहते थे, जो तालाब अब गंदगी से भर गया है, उसको हम क्लीन करेंगे। हमने पहला सोचा, ऐसे काम हमने किया, या आप देख सकते हो पहला जो तालाब कितना गंदा था वो। तो हमने उस तालाब को क्लीन करने में हमारे युवा जो जागो भारत से आए थे उनको लगाया। तो बाद में मुझे लगता है पूरे 300 दिन उन लोगों ने क्लीन किया, हर रोज दो दो घंटा काम करते थे, और बाद में अंत में जाकर वो तालाब जो नीचे वाला है ऐसे बना जिसमें पानी भरा और सब लोग आते थे। जिस तालाब में लोग क्रिकेट खेलते थे अब उसी तालाब में लोग स्विम करते हैं, और जो मंदिर जाता है वो स्विमिंग करने के लिए भी जाता है, स्विमिंग करने के बाद मंदिर जाके एक प्रणाम करके भी आता है। ऐसे पूरे कर्नाटक में 250 से ज्यादा तालाब को हमने रिवाइव किया। तो एक बहुत अच्छा काम हुआ। तो बहुत सारे नए युवा हमको मिले, हमने उनको कहा इस तालाब को स्वच्छ करने में, एक तो तालाब को स्वच्छ किया लेकिन इसके वजह से मंदिर आने वाले लोगों का श्रद्धा भी बहुत बढ़ा। वो तालाब के पास आते थे, तालाब को भी देखते थे और मंदिर में जाके प्रणाम करके भी जाते थे। तो इसका लाभ ये हुआ, ये तो हमने बताया। उसके बाद हमने उसको डेवलप किया, सेकेंड स्टेज में हमने नदियों का स्वच्छता लिया, जल जीवन इसका नाम था। हमने पूरे कर्नाटक में ऐसे 9-10 नदियों को हमने स्वच्छ किया। पहले तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाते थे, वहाँ लोकल कार्यकर्ता हम लेते थे, युवा होते थे वो, क्योंकि काम बहुत टफ रहता था। आप नदी के अंदर घुसते हैं और वहाँ लोगों ने जो उसमें फेंका है उस सबको आप निकाल के उसको आप बाहर फेंकते हैं, ये बहुत बड़ा काम होता था। वहाँ के लोकल युवा आते थे, वो हमारे काम को देखने के बाद वो कहते थे हर साल हम इसको क्लीन करेंगे। तो वहाँ के युवा एकत्रित हुए और नदी को स्वच्छ रखना है, ये उनके मन में जो जागृत हुआ ये काम हमसे हुआ। हम सिर्फ नदी को स्वच्छ करके नहीं आते थे, उसके बाद हम वहाँ आरती मनाते थे। ये आरती हम मनाते थे, आप देखिए ये गंगा आरती काशी में नहीं हो रहा है, ये मैसूर के पास नंजनगुड़ में कपिलारती हो रहा है। जैसे आपको गंगारती होता है वैसे ही कपिलारती हर साल हो रहा है अभी। वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जो पहले हमसे नहीं जुड़े थे अब वही ये काम करते हैं, और अपने आप में ये मंदिर को, नदी को स्वच्छ करना और उसके बाद ऐसे आरती करना प्रयास वो हर साल अब कर रहे हैं। ऐसे लगभग मुझे लगता है कर्नाटक में 5-6 नदियों का हर साल स्वच्छता होती है और हर साल वहाँ ऐसे ही आरती मनाया जाता है, ये बहुत विशिष्ट है। तो बाद में हमने सोचा, हमने तालाब स्वच्छ किया, तालाब को क्लीनिंग किया, उसके बाद नदियों को क्लीनिंग किया, अब हमने सोचा मंदिर को ही हाथ लगा देते। तो जहां भी मंदिर, लोग कहते थे कि ये मंदिर गंदा है, ये मंदिर क्लीन नहीं है, इसको क्लीन करके दसियों साल हो गए, तो हम वहां जाते थे उस मंदिर को पूरा क्लीन करके वहां के कार्यकर्ताओं के हाथ में वो मंदिर को सौंप के हम कहते थे इस मंदिर को क्लीन रखो।
जो भी आएगा और बताएगा हिंदू क्लीन नहीं है, उसको दिखाओ हमारे मंदिर बहुत क्लीन है, हम पे तुम गाली नहीं दे सकते हो। ऐसे मंदिर को क्लीन करने में हम युवाओं को लगाने के बाद बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े, जो मंदिर में काम करते थे वो भी हमारे साथ जुड़े, नए युवा इस मंदिर के क्लीनिंग के थ्रू हमारे पास आए। उसके बाद हमने वो एक उपक्रम लिया, हम हर बार बाहर जाते हैं, हमको तो हिंदू धर्म के ऊपर गाली देना एक प्रैक्टिस सा हो गया है। हर बार बाहर जाते हैं तो बहुत सारे क्या होता है, बहुत वृक्ष के नीचे घर में जो हम पूजा करते थे वो फोटो बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, घर में जो पूजा करते थे वो फोटो को हम मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं, कहीं वृक्ष के नीचे छोड़ देते हैं। और जो मतांतर करने वाला आता है वो एक छोटा बच्चे को लेके आता है और कहता है तुम्हारे भगवान अपने आप को रक्षा नहीं कर पाता है और तुमको क्या रक्षा करेगा। तो इसको देखने के बाद एक दसवीं कक्षा के विद्यार्थी के मन में तो ऐसे आता है कि हमारे भगवान की हालत ही ऐसा है तो वो हमको क्या रक्षा करेगा। तो वो मतांतर होने का एक आसान सा तरीका है, तो ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो हमने सोचा इसके लिए कुछ तो आंसर ढूंढना है। तो हमने क्या किया, हम जाते थे जैसे वृक्ष के नीचे, वहां आप देख सकते हो वहां जो फोटो है उसको हम कलेक्ट करते थे, लेके आते थे और उसको डिसमेंटल करते थे, फ्रेम अलग, उसका काज अलग और उसका जो फोटो का जो चित्र पड़ता उसको अलग करके हम करते थे, उसको एक जगह में दफना देते थे। बाद में जो फोटो था उसको एक खड्डा खोद के वहां डाल के उसके ऊपर एक झाड़, एक पौधा लगाते थे और कहते थे इतने दिन तक जो शिव इस फोटो में था अब वो कण कण में फैला गया है, इस माध्यम के थ्रू अब वो कण कण में शिव है। ऐसे कह के हमने कण कण में शिव नाम रखा उसको। हर वीक, हर संडे जब भी हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ काम नहीं होता है वो क्या करता है, वो गांव में जाता है और ऐसे फोटो ढूंढ के आता है, उसको डिसमेंटल करके उसको दफन करने का, उसको खड्डा खोद के डालने का प्रयास करता रहता है। मुझे इतना खुशी है, चंडीगढ़ के मेयर ने, मैं पिछले एक दो साल पहले देखा था, चंडीगढ़ के मेयर इससे प्रभावित होके उन्होंने कहा है हमारे चंडीगढ़ में कहाँ भी ऐसे मिले तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। कर्नाटक में बहुत सारे स्वयं सेवा संस्था ने इस अभियान को लिया है और सब लोग अभी ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे कार्यकर्ता इसके माध्यम से हिंदू धर्म के कार्य में जोड़ रहे, ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ तक एक लेवल हुआ। उसके बाद हमने सोचा जो कार्यकर्ता हमारे पास आता है वो ये काम करने के बाद हमारे से जुड़ जाता है, लेकिन उसको अनुशासन देना होगा, लेकिन कैसा दे। हम लोग हिंदू ऐसे मानसिक वाला होता है, वो रमज़ान आता है तो मुसलमान को तो हैप्पी रमज़ान कहता है या नहीं पता नहीं है, लेकिन हिंदू को विश्वास वो विश करता है। क्रिसमस आया तो हम लोग क्या करते हैं, सब हिंदुओं को जो हमारे ग्रुप में है उनको हम हैप्पी क्रिसमस कह देते हैं, क्योंकि क्रिसमस के जगह में कहने के लिए कुछ और नहीं है हमारे पास। तो हमने सोचा दिसंबर 25th जिसको सब लोग क्रिसमस मनाते हैं, हमने ढूंढा तो स्वामी विवेकानंद जी उसी दिन कन्याकुमारी के शिला स्मारक पर बैठे थे। तो हमने सोचा उसको हम रॉक डे करके मनाएंगे, रॉक डे युवाओं को सुनने के लिए भी बहुत मजा आएगा। तो हमने सोचा रॉक डे मनाएंगे और युवा पूछेंगे तो रॉक डे क्या है, हम तब कहते हैं इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी वहां बैठे थे, 3 दिन उन्होंने तपस्या की थी, इसी दिन के बाद स्वामी विवेकानंद जी को पता चला कि मुझे अमेरिका जाना है और वहां जाके हिंदुत्व के बारे में उन लोगों को बताना चाहिए। तो ऐसे उनको जो मन में आया वो दिसंबर 25 को ही मन में आया था। तो हमने सोचा उसी दिन हम विवेक माला धारण करेंगे, ये विवेक माला होता है, विवेक माला हम धारण करते हैं। धारण करने के बाद अगले जनवरी 12 तक हमारा एक नियम होता है, नियम क्या है, सुबह 5 बजे उठना है और एक्सरसाइज करना है, दंड का प्रैक्टिस करना है। घर में सिर्फ लाठी रख के प्रयोजन नहीं है, उसको यूज कैसा करना है उसको भी पताना है ना। तो हमने सोचा हमारे युवाओं को ए ट्रेनिंग इस 15-20 दिन में देंगे। तो उसके बाद में जून 12 के 7 का जो संडे है तब हम सब कन्याकुमारी जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। 45 लोगों से हमारा ये अभियान शुरू हुआ था, आज कन्याकुमारी हम लगभग 1000 लोग जाते हैं और माला डालने वाले और भी 1000 लोग हैं, वो माला डाल के उसको अपने अपने गांव में विसर्जन करते हैं। लेकिन जब मालाधारी होते हैं वो सब सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को अनुशासन में लाते हैं और विवेकानंद जी को पढ़ते पढ़ते हिंदुत्व के बारे में कुछ करना है ऐसे सोचते हैं। ऐसे कार्यक्रम हमने
रूप किया। तो ऐसे अनुशासन वाले, हिंदुत्व के बारे में सोचने वाले ये लड़के अब क्या करने लगे। एक हमारा कार्यक्रम था पतित पावन मंदिर। अपने अपने गांव में जाओ, जो भी मंदिर डिलैपिलेटेड कंडीशन में है उसको पुनरुज्जीवन करने में हमारा श्रमदान करेंगे, श्रम का योगदान करेंगे। तो ये तो जो चित्र आप देख रहे हैं मैसूर के नज़दीक एक गांव का है। जो ऊपर वाला चित्र है वो डिलैपिडेटेड कंडीशन उस मंदिर का था। तो हम गांव गए, गांव के लोगों को मिलाया और हमने उनको कहा, देखिए ये मंदिर हम पूर्णतया उसको रिज्यूविनेट करके देंगे, लेकिन एक ही कंडीशन है हम लोगों का, इस मंदिर में जो भी आएगा आप उसका जाति नहीं पूछेंगे, उसको अंदर छोड़ेंगे, सब लोग साथ मिलके आप त्योहार मनाएंगे तभी हम इसको रिपेयर करेंगे। तो उन्होंने कहा करो, हम ऐसे करेंगे, हमारे गांव में जाति भूल जाएंगे और सब लोग इस मंदिर में एकत्रित हो जाएंगे। तो वो लोग समझ रहे थे हमसे ये नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने तो हमको कह दिया, प्रॉमिस कर दिया ऐसे करेंगे। लेकिन बाद में वो सब कार्यकर्ता ही आपको देखने के लिए मिल रहे, हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस मंदिर को इतना सुंदर बनाया, आज हर कृष्णाष्टमी वहाँ पूरे गाँव के लोग मिलते हैं, सहभोजन करते हैं। जो जाति का कलंक था उसको हम उस गांव में थोड़ा बहुत मिटा सके, इतना तो विश्वास हमको आज है, ये बहुत खुशी की बात है। बाद में हमने सोचा विश्वास बहुत बढ़ रहा था हम लोगों का, एक काम के बाद विश्वास बढ़ रहा था। तो हमने सोचा छोटे काम से हम विश्वास इतना बढ़ गया है, तो हमने सोचा जाति श्रृंखला को हम तोड़ेंगे। ऐसे कार्यक्रम, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम हम करने लगे। उसके बाद में जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से हमको मिले उनको लेकर हमने पादयात्रा छेड़ी कर्नाटक में। हमारे जिले में जहां भी मतांतर बहुत होते हैं उस गांव में 25 कार्यकर्ता 50 कार्यकर्ता पादयात्रा में जाते थे। जो मतांतरित हुआ है हम उसको नहीं छूते थे, जो अभी तक नहीं हुआ है हम उसके घर जाते थे, उसको एक विश्वास दिलाते थे तुम सच में हिंदू हो, हम आपके साथ में हैं, कभी मतांतर नहीं होना है, हमको जो हमारे साथ में अभी है उनको पकड़ के रखना है। इसके लिए हमने पादयात्रा छेड़ा। हर महीना कोरोना आने तक तो हमने हर महीना अंत में जो वीक आता है वीकेंड उसमें हम पादयात्रा निकालते थे, ऐसे जाते थे। विवेक ज्योति यात्रा लेके हम जो जहाँ हमारे पिछड़े जाति वाले जो हम सोकाल्ड कहते हैं तो उनके जगह जाते थे, वहाँ जाके सहभोजन में बैठते थे। तो उनके साथ भोजन करना, उनके साथ भजन करना, उनके साथ मेलजुल करना, ऐसे कार्यक्रम से हमने बहुत जगह कार्यक्रम किया। विश्वास तो अब और बढ़ा, तो हमने सोचा अब थोड़ा एग्रेसिव काम ही करना होगा। इतना तक तो हम कंस्ट्रक्टिव काम में लगे थे, अब एग्रेसिव काम करना होगा। तो हमने सोचा लव जिहाद के बारे में कुछ काम करें, इसीलिए हमने जो पोस्टर्स आप नीचे देख रहे वैसे 40 पोस्टर हमने बनाए एक्सक्लूसिवली ऑन लव जिहाद। हमने बहुत युवतियों को ट्रेन किया और हर जगह जहाँ भी प्रोग्राम होता था, किसी का भी प्रोग्राम, वहाँ लव जिहाद का एक मेला लगता था, एक एग्जीबिशन लगता था, वहाँ युवतियाँ खड़े होकर जो भी महिला वहाँ आती थी, जो भी पुरुष वहाँ आता था, उनको लेके जाके एक टूर दिखाती थी कि लव जिहाद भारत में कैसे हो रहा है, हम लोगों को कैसे बचना चाहिए। इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है, कन्नड़ में मैं बताता हूँ आपको, नम्मय हक्की कलकोण बिट्टे निम्मय हक्की कापाड़ कोल्ली। हमने तो हमारा चिड़िया खो दिया, अपने चिड़िया को तो बचा लो, ऐसे नाम रखे हमने हर जगह लव जिहाद के बारे में काम किया। उसके बाद में आप में बहुत लोग जानते होंगे कर्नाटक में एक कांग्रेस लीडर था, उसने एक बार एक बयान दिया, उसने कहा हिंदू इसका मतलब घटिया है, हिंदू इसका मतलब क्रौर्य है, हिंदू इसका मतलब दुष्टता है, ऐसे उसने कहा। और उसने कहा मैंने इसको पर्शिया के डिक्शनरी में देखा है। तो सब लोगों ने इसको फेसबुक में गाली दिया, उसको रील कुछ बना के उसको गाली दिया, सब कर रहे थे। तो हमारा तो विश्वास बड़ा था ना, युवा बहुत थे, तो हमने सोचा उसका उस लीडर का, कांग्रेस लीडर का गढ़ जो है वहीं जाएंगे और वहीं एक कार्यक्रम करेंगे और उसको एक चेतावनी देंगे, अगर हिंदुत्व को तुम टच करोगे पूरे राष्ट्र तुम्हारे विरुद्ध रहेगा। ऐसे करने के बाद उसने सोचा था मेरे गांव में इनके कार्यक्रम के लिए कोई नहीं आएगा, ये तो कार्यक्रम हुआ। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ तो पूरे लोगों ने समझा, पूरे गांव ही वहां एकत्रित हुआ था। तो उसके बाद
डर सा माहौल वहां हुआ था। हिंदुत्व के बारे में अगर कोई बताएगा तो एक टीम है वो आएंगे और वो हल्ला मचाएंगे। तो जो डर का माहौल वो लोग हम में लाते हैं, हमको उसी तरह उल्टा उनके मन में भी यही डर का माहौल पैदा करना है ना। ये काम हम करने के लिए उत्सुकता हम में आई और विश्वास भी बढ़ा। तो इतने विश्वास के बाद हमको लगा अब संतों का एक संगठन भी करना होगा। तो हमने सोचा, हमने एक कार्यक्रम किया जागो हिंदू, उसमें कर्नाटक के बहुत सारे जो जाति है उनके प्रमुख संत जो है उन सबको हमने बुलाया और सब लोग आए, क्योंकि हमने इतना काम जो किया था तो सब लोग काम देख रहे थे। उनको लगा हिंदुत्व के बारे में ये लड़के कुछ तो काम करते हैं, तो ये सब हमारे कार्यक्रम में आए। वहां हमने लव जिहाद के बारे में, मतांतर के बारे में और जो आघात हिंदुत्व के ऊपर हो रहा है, जो नरेटिव एंटी हिंदूज बिल्ड कर रहे हैं, उसके बारे में पूरे एक दिन का सत्र रहा। सब संत वहां बहुत प्यार से भाग लिया, उन्होंने अपना विचार रखा, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसके बाद हमको लगा हमारे कार्यकर्ताओं को और युवाओं को ट्रेन करने के लिए हमको सीरीज ऑफ बुक्स लाना चाहिए। हम हर महीना एक बुक लाते थे, इस बुक का नाम मैं बता दूंगा। पहला बुक जो है वो कश्मीर का हिस्ट्री बताता है, वहां हिंदुओं का जिनोसाइड कैसा हुआ इसके बारे में हमने, ये सब बुक 50 से 60 पन्नों का किताब है, इसके सब्सक्रिप्शन हमने बनाई तो मुझे लगता है 5,000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसके लिए हुई। हर युवाओं के पास ये जाता था और वो पढ़ता था बैठ के, ऐसे हमको देख के बहुत खुशी लगता था। तो पहला जो बुक है वो कश्मीर के बारे में है और दूसरा हमारे बच्चों को कैसे एजुकेशन मिलना चाहिए इसके बारे में है, और तीसरा वर्ल्ड वाइड हिंदू कल्चर कैसा फैल रहा है इसके बारे में हमने काम किया, और जो चौथा बुक है वो गोवा के बारे में, इंक्विजिशन ऑफ गोवा कैसे हुआ, जो जगह में आप बैठे हो तो इस यहां भी एक बार इंक्विजिशन हुआ था, वो कैसे हुआ इसके बारे में चौथा बुक है, और फिफ्थ बुक मैं हिंदू हूं, जो जब उसने गाली दिया था हिंदुत्व के बारे में तब हमने इस किताब निकाला, मैं हिंदू हूं उसको आंसर करने के लिए इस किताब को हमने निकाला, और फिफ्थ बुक जो आप देख रहे हैं वो वॉर ऑफ लव, लव जिहाद के ऊपर का है, और सेवंथ बुक आप जो देख रहे हो वो अकबर द ग्रेट सच क्या है ये बुक है, और एइथ बुक आप देख रहे हैं वो आर्य और द्राविड़ इसमें सच क्या है इसके बारे में हमने निकाला, और नाइन्थ बुक है वो टिप्पू के बारे में, मतांध कैसा था वो इसके बारे में निकाला, और द लास्ट बुक ट्वेल्थ बुक हमारा जो था वो हिंदू साम्राज्य कृष्णदेवराय जी ने कैसे स्थापना की थी। ऐसे 12 बुक हमने निकाली और 12 बुक हमने युवाओं को पहुंचाई। तो ऐसे छोटे छोटे कामों से आज हमारा विश्वास इतना बड़ा है। युवा ब्रिगेड पिछले 10 साल से ये सब काम करते आई है, तो इस बार से हमने सोचा है हमारे युवा ब्रिगेड में एक विंग रहेगा, उसका नाम होगा धर्म संचलन, और धर्म संचलन के थ्रू हम लोग और आगे ऐसे काम थोड़ा एग्रेसिवली कर पाए, इसके लिए हम सोच रहे। तो मैं अगली बार जब यहाँ आऊँगा तो ये सब छोड़ के नए काम के साथ आपके आगे आऊंगा, और युवाओं को हम जोड़ पाएंगे और हिंदुत्व निष्ठ कार्यकर्ताओं को हम इसमें लेके आ पाएंगे, ऐसे विश्वास मुझे है। आप सबने प्यार से सुना, मैं आप सबको आभार हूँ। मैं आप सबको नमस्कार करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।